हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक जो लाइफ में आप बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और न जाने 99% लोग कंफ्यूज में ही होते हैं, वो है नो और नॉट का प्रयोग। नो वर्सेस नॉट, इसका प्रयोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बस एक बार वीडियो को देख लें तो लाइफ भर आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप क्या करें, थोड़ा मन से देखने का प्रयास करें और मैं आपको इतना सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप फिर लाइफ भर भूल ही नहीं पाओगे। बहुत सारे बच्चों ने एक कमेंट किया था कि सर नो और नो नॉट में बहुत कंफ्यूजन आता है, कभी नो का प्रयोग होता है, कभी नॉट का प्रयोग हो जाता है, या तो उसी में कभी नॉट कभी उसी में नो का प्रयोग हो जाता है, ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इन सभी कंफ्यूजन को समाप्त कर दूं, और इसीलिए मैं सबसे पहले आपके बीच नो वर्सेस नॉट का प्रयोग लेकर आया हूं और आपको मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप देखते ही देखते नो और नॉट को चुटकी में उड़ा देंगे। हाँ, तो हम जानते हैं कि नो और नॉट, नो और नॉट, नो का अर्थ नहीं है और नॉट का अर्थ भी नहीं है। नो को हम कोई नहीं भी बोलते हैं, नॉट नो को हम कोई नहीं भी बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं मैं उसको बताऊंगा। तो क्या है नो, नहीं, कोई नहीं, ये बोल सकते हैं, और नॉट को नहीं बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि नो और नॉट का मीनिंग हिंदी में लगभग मिलता है, नहीं होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग में धरती और आसमान का अंतर है। कभी कभी आप ये जानते होंगे कि घर में माताएं बहनें क्या करती है, सब्जी बनाती हैं। तो सब्जी जब बनाती हों तो उस सब्जी में वो क्या करती हैं, तेल देती है, नमक देती है, मसाले का प्रयोग करती है और वो सब्जी बन जाता है। लेकिन काश कभी खीर बना रही हो और उस खीर में हम नमक का, तेल का, मसाले का प्रयोग कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि खीर का अर्थहीन हो जाएगा, खीर का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो और हम ये समझ सकते हैं कि तरकारी का जो मसाला है उसको खीर में नहीं डाल सकते हैं, और खीर का जो आइटम्स है उसको यदि हम सब्जी में डाल दें, यानी चीनी डाल दें, दूध डाल दें और काजू किशमिश जो भी हो डाल दिए तो सब्जी कुछ और बन जाएगा, और सब्जी का मसाला यदि हम खीर में डाल दिए तो खीर कुछ और बन जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप क्या करें, ये सारी गलतियां ना करें, आप बारीकी से समझने का प्रयास करें और मैं आपको अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर नो और नॉट का कंफ्यूजन सदा के लिए दी समाप्त नहीं कर दिया तो फिर आप मुझे बताएं। ठीक है, देखते हैं कि नो जो है यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है, नो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बल्कि नॉट जो है यह एडवर्ब की तरह काम करता है। नंबर वन सॉल्यूशन, नो का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह काम करता है, नो जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा जबकि नॉट जो है वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। पहला कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया होगा कि नो जब भी काम करेगा तो एडजेक्टिव की तरह और नॉट जब भी काम करेगा तो एडवर्ब की तरह काम करेगा, पहला कंफ्यूजन। देखते हैं हम लोग सेकेंड, यह नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, यानी ये नाउन के पहले प्रयुक्त होता है तो कौन, ये नो, नो का प्रयोग कब होगा तो नाउन के पहले होता है, ये जब भी होगा तो नाउन के पहले ही नो का प्रयोग होगा। कैसे होगा देखते हैं, जैसे आई है नो पेन बुक काउ टेबल, ये जो पेन है, ये जो पेन है मेरा वो क्या है, नाउन है, बुक क्या है, नाउन है, काउ क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है। तो दुनिया का कोई भी नाउन होगा उसके पहले जब नो और नॉट का प्रयोग आया हो तो आप
आंख मूंद के क्या करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। नंबर टू, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह क्या होता है, यह वर्ब के पहले प्रयुक्त होता है, यानी नॉट का प्रयोग कब होता है, तो वर्ब के पहले होता है। ये कब हुआ, ये नाउन के पहले हुआ, जबकि ये क्या है, वर्ब के पहले होगा, बहुत अंतर है। तो देखते हैं, सी इज नॉट रीडिंग ए बुक, ये जो रीडिंग है आपका, ये जो रीडिंग है वो क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और जब ये वर्ब है तो इसके पहले जब भी आएगा तो नॉट आएगा, नो कभी नहीं आएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसको आप धो डालो, बिंदास, ओके। हाँ, तो क्या करेंगे, जब भी वर्ब होगा, वर्ब के पहले जब भी होगा तो क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा, नो का प्रयोग कभी नहीं होगा, लाइफ में नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, यू डू नॉट राइट ए लेटर, ये जो राइट है वो राइट क्या है, ये वर्ब है, राइट क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले हम जब भी प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वर्बल नाउन के पहले नो का प्रयोग होता है, वर्बल नाउन के पहले नो का प्रयोग होता है। ओ दोस्त भाई, क्यों झपकी ले रहा है, अरे झपकी, क्लास में सोया मत करो, वक्त आपका है, चाहे तो इसे सोना बना लो या तो सोने में गुजार दो, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। घड़ी बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, घड़ी बनाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद बदलना पड़ता है, खुद बदलना पड़ता है। तो समय का वैल्यू दो, टाइम इज वेरी प्रेशियस इन योर लाइफ। तो दोस्तों, थोड़ा फ्रेश होके पहले देखने का प्रयास करें, इसके बाद व्यवस्थित। तो देखते हैं कि वर्बल नाउन के पहले नो का प्रयोग होता है। वर्बल नाउन किसको बोलते हैं, वर्बल नाउन का अर्थ होता है कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन के जैसा हो, जब वर्ब का प्रयोग नाउन के जैसा हो उसे वर्बल नाउन कहते हैं। आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, इसे हम लोग जीरंड फॉर्म भी कहते हैं, जीरंड फॉर्म लोग जानते हैं, तो जीरंड फॉर्म भी कहते हैं। तो जैसे जब भी सेंटेंस में ये वर्बल नाउन का प्रयोग होगा, वर्बल नाउन का प्रयोग होगा, तो उसके पहले जब भी आएगा, जहां भी आएगा, जैसे भी आएगा, वो क्या होगा, नो का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग कदापि 100% नहीं होगा। तो ये जो वर्बल नाउन है ना, स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है वो वर्बल नाउन है, इसके पहले जो आया है तो नो आएगा, नॉट नहीं आएगा। जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, ठीक है। तो ये जब भी आएगा, इस वर्बल नाउन जैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एडवर्ब के पहले नॉट का प्रयोग होता है, नो का प्रयोग वर्बल नाउन के पहले होता है, अब नॉट का प्रयोग कहां पर होता है, तो नॉट का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। जैसे सी इज नॉट वेरी सीरियस स्टूडेंट इन स्टडी, सी नॉट वेरी सीरियस स्टूडेंट इन स्टडी, ये जो मेरा भेरी है, भेरी क्या है, भेरी एडवर्ब है, भेरी क्या है, एडवर्ब है, और जब भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब मिल गया तो आप क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ओके, यस, थैंक। हाँ, समझ आ रहा है ना, हाँ, आप बेधड़क मुस्कुराते हुए क्लास लीजिए, क्लास में आप हमेशा बुलंद रहें और हमेशा स्माइलिंग मूड में रहें, तो आपका जो है ना ये ब्रेन भी स्माइल करेगा और आपको 100% समझ में आ जाएगी। इसलिए हमेशा क्लास में स्माइल करते रहें, यानी बेफिक्र रहें, नो टेंशन, टेंशन में नहीं रहा करें, आप मस्त मौला होकर मेरी बातों को सिर्फ सुने, और मैं वादा करता हूं कि आपकी हर कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्या है, एडवर्ब के पहले नॉट का प्रयोग होता है, ओके ना, थैंक। तो सी नॉट वेरी सीरियस स्टूडेंट इन स्टडी, ये जो वेरी है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, और जब एडवर्ब का प्रयोग हो गया तो इसके पहले नॉट का प्रयोग होगा, नो का प्रयोग नहीं होगा यार, नहीं होगा, ओके, थैंक। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग नो का प्रयोग, तो एडजेक्टिव के पहले भी नो का प्रयोग होता है, यानी एडजेक्टिव जब होगा तो उसके पहले नो का प्रयोग होता है, मैं बताता हूं कैसे होता है, लेकिन क्या होगा, लेकिन हाँ होता है, जब आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले नहीं किया गया हो तब एडजेक्टिव के पहले नो का प्रयोग होता है, ठीक है ना, लेकिन शर्त यह है
कि उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यदि है तो नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं है तो नो का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव नो रेड पेन, ये जो पेन है ना, ये पेन क्या है, मेरा नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये जो रेड है, ये रेड क्या है, ये मेरा एडजेक्टिव वर्ड है, क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। जब एडजेक्टिव वर्ड है ना, तो इसके पहले क्या कोई आर्टिकल है, क्या नहीं है ना, तो नहीं है तो नो का प्रयोग होगा, यदि रहता तो नॉट का प्रयोग होता। ओके, यदि ये क्या होता, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग होता तो हम नॉट का प्रयोग करते, नॉट का प्रयोग करते। तो समझ में आ गया कि जब नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड हो, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, यानी ए एन द का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो वहां नो का प्रयोग करेंगे। और जब, इसी का उल्टा बोल सकते हैं कि जब क्या होगा, ए एन द लगा रहेगा तो वहां नॉट का प्रयोग हो जाएगा, आसान भाषा है ना। हाँ, तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे सी इज नो ब्यूटीफुल वुमन, सी इज नो ब्यूटीफुल वुमन, सी इज नो ब्यूटीफुल वुमन, यानी वो जो है वो ब्यूटीफुल वुमन नहीं है, वो नहीं है। ये नो का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल ए एन डी का प्रयोग नहीं हुआ है, यदि होता तो फिर यहाँ चेंजिंग हो जाता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है, मेरा, ये मेरा एडजेक्टिव वर्ड है, और ओमेन क्या है, ये नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड आया, और एडजेक्टिव के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं हो तो वहां पर नो का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉट का। इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस, हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं, तो उसमें क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ नॉट का प्रयोग होता है। कब, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट स्मोक, ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट स्मोक, तो बोल सकते हैं ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड नॉट टू स्मोक, यानी कहने का अर्थ हुआ से ही सेड टू हिज फ्रेंड कोमा इनवाइटेड कोमा डोंट स्मोक, ये क्या कर रहा है, इसको मना कर रहा है ना, मना कर रहा है कि यहाँ क्या करो, स्मोकिंग मत करो। हाँ, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड नॉट टू स्मोक, यानी ये नॉट टू स्मोक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नॉट का प्रयोग हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि इसमें भी कंफ्यूजन है तो याद रखना कि जब भी इन्फिनेटिव फॉर्म आ गया हो, क्या इन्फिनेटिव फॉर्म आ गया हो, यानी टू लग गया हो, टू लग गया हो, टू लग गया हो, टू के पहले जब भी प्रयोग होगा तो नॉट का प्रयोग होगा, टू के पहले जब भी प्रयोग होगा तो नॉट का प्रयोग होगा, नो का प्रयोग कदापि नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए, इसको बारीकी से समझने का प्रयास किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, और आप बस एक बार में नहीं समझ आता हो तो दो बार, तीन बार, चार बार देखते रहें, और आपको समझ में आएगा ही आएगा। इससे इजी एग्जाम्पल्स आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। कितना मैं सिंपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप एक बार सुनेंगे, डबल सुनेंगे तो याद होगा ही होगा, यानी एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में 100% आ जाएगी, और फिर लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कैसे होता है, मतलब देखेंगे कि ये क्या होता है, कुछ अपवाद वर्ड भी है, कुछ अपवाद वर्ड भी है। जैसे जब कोई वस्तु बिल्कुल है ही नहीं, यानी बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पर हम कुछ भी हो लेकिन नॉट का ही प्रयोग होता है। कहने का अर्थ हुआ कुछ वस्तु है, कुछ वस्तु, वो वस्तु है ही नहीं, यानी वो क्या है, बिल्कुल अलग हो, तो वहां पर क्या करेंगे हम, लेकिन परंतु कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जिसमें नो भी यूज हो रहा हो, चाहे नॉट भी यूज हो रहा हो, लेकिन वहां पर हम उस कंडीशन में नॉट का ही प्रयोग करेंगे, नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे देयर इज वाटर इन द बोतल, देयर इज वाटर इन द बोतल, देयर इज वाटर इन द बोतल, लेकिन बोतल में क्या है, पानी नहीं है, पानी है ही नहीं, बल्कि क्या भरा हुआ है उसमें, उसमें डीजल या पेट्रोल भरा हुआ है, तो पानी का तो कुछ अंश ही नहीं है। हाँ, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, वहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते होंगे कि ये जो वाटर है, ये वाटर क्या है, नाउन है, तो इसके पहले हमको नॉट का प्रयोग करना था, लेकिन जब उसने क्या बोला, देयर इज वाटर इन द बोतल, लेकिन बोतल में क्या है, पानी नहीं है, बल्कि क्या है, उसमें पेट्रोल है, डीजल है,
तो क्या करेंगे वहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे देयर इज मिल्क इन द बाउल, देयर इज मिल्क इन द बाउल, कटोरा में दूध है, कटोरा में दूध है, लेकिन कटोरा में क्या है, दूध नहीं है बल्कि फेविकोल है। क्या है? फेविकोल है, दूध तो है ही नहीं, फेविकोल जब रखा है तो क्या हो गया, वो तो बिल्कुल उसका कुछ है ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं है उससे, ठीक है ना, तो मिल्क से कोई रिश्ता ही नहीं है। अब वो क्या है, फेविकोल है, लेकिन दिखता है व्हाइट, उससे क्या मतलब भाई, वो तो अलग है, बिल्कुल अलग है ना, जब बिल्कुल अलग है कोई उसमें लेकिन परंतु है ही नहीं, बिल्कुल अलग है, तो वहां पर क्या करेंगे, ये मिल्क क्या है, नाउन है, नाउन के रहते हुए भी हम वहां पर क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब कंडीशन होगा कि जो वस्तु हम बोल रहे हैं वो वस्तु है ही नहीं, एकदम 100% वो नहीं है, तो वहां पर क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग करते रहेंगे और मस्त मगन होके हम पढ़ेंगे। तो जानते हैं, देख नजारा सावन का, देख नजारा सावन का, मन को कितना भाता है, देख नजारा सावन का, मन को कितना भाता है, जब सावन खुद शिवजी को, जब सावन खुद शिवजी को जल चढ़ाने आता है। तो क्या बोले, मैंने बोला, देख नजारा सावन का, मन को कितना भाता है, जब खुद सावन शिवजी को जल चढ़ाने आता है। तो ये सावन का महीना है, बहुत ही छमाझम महीना है, मस्त मोला महीना है, हर हर महादेव की गूंज से पावा नगरी गूंज रहे हैं। आपका भी स्वागत है हमारे झारखंड के इस बाबा नगरी में, और आप भी भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और मस्त मगन रहें, मस्त रहें और हमेशा पढ़ने में भी व्यस्त रहें। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी तमाम समस्याओं का समाधान आपका 100% हो गया होगा, और मैं सोचता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप क्या करें, इसका प्रयोग करते रहें, और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले जोश के साथ नए टॉपिक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।